Assalamu alaikum viewers, in this video we will study about chapter number 12 of 10th class, that is hydrocarbons। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ हम पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन्स की हमने डेफिनेशन देखी थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन्स आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। अब इसकी नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ये भी हमने पढ़ी थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले चैप्टर में, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाले टॉपिक में। अब इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं ब्रीफली कि ओपन चेन कंपाउंड और क्लोज चेन कंपाउंड में इनको क्लासिफाई किया गया है। अब ओपन चेन जो होते हैं मजीद उनको डिवाइड किया गया है स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच्ड चेन। अब ये स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन क्या हो सकते हैं? सैचुरेटेड हो सकते हैं या अनसैचुरेटेड हो सकते हैं। सैचुरेटेड में एग्जाम्पल है अल्केन की। सैचुरेटेड कौन से हाइड्रोकार्बन होते हैं? जिसमें कार्बन की वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाइड हो, उसको बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और अनसैचुरेटेड जिसमें कार्बन के दरमियान जो वैलेंसी है कार्बन में डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड के जरिए उसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड हो, तो उनको बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया गया है। आगे है क्लोज चेन। क्लोज चेन जो है वो साइक्लिक हो सकती हैं या अरोमेटिक कंपाउंड्स हो सकते हैं। अब साइक्लिक की एग्जांपल है साइक्लोब्यूटेन और अरोमेटिक की एग्जांपल है बेंजीन। यहाँ पे क्या होते हैं? 6 कार्बन होते हैं जिनके साथ एक एक हाइड्रोजन अटैच होता है इस तरह से, और इसमें क्या होते हैं? 3 अल्टरनेटिंग सिंगल एंड डबल बॉन्ड मौजूद होते हैं। ये थी थोड़ी सी टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब हम हाइड्रोकार्बन का पहला मेंबर पढ़ते हैं जो कि क्या है? अल्केन है। अल्केन का दूसरा नाम क्या है? पैराफिन्स। ये हमने पढ़ा था। और इसका जो जनरल फार्मूला है ये क्या है? CnH2n+2। और पैराफिन इसको किस लिए बोलते हैं? क्योंकि ये अल्केन जो होते हैं लेस रिएक्टिव होते हैं, इस वजह से इनको क्या बोलते हैं? पैराफिन्स। लिटल अफिनिटी, इसलिए इनकी जो केमिकल रिएक्शन होते हैं ये इनर्ट होते हैं, मतलब ये किसी चीज़ के साथ रिएक्ट नहीं करते। आगे हैं सोर्सेज ऑफ अल्केन्स। क्या अल्केन्स हमें मिलेंगे कहाँ से? पेट्रोलियम से मिलते हैं, नेचुरल गैस में मिलते हैं। नेचुरल गैस में जो 85% है वो मीथेन गैस पाई जाती है। उसके अलावा मार्श गैस। मार्श गैस क्या होती है? डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स या अदर सब्सटेंस से जो हमें चीज़ मिलती है वो क्या होती है? मार्श गैस होती है। अब बायोगैस से या गोबर गैस से या सीवेज गैस से भी हमें अल्केन मिलते हैं। अब नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। कि अल्केन्स को प्रिपेयर्ड कैसे किया जा सकता है? पहला जो मेथड है वो है हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइन्स। हाइड्रोजिनेशन क्या होती है? एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन टू अनसैचुरेटेड कंपाउंड टू फॉर्म सैचुरेटेड कंपाउंड इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। यहाँ पे क्या था? अनसैचुरेटेड अल्कीन है हमारे पास, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं। निकल एज ए कैटलिस्ट 250 से 300 डिग्री हम टेम्परेचर देते हैं, तो ये क्या बन रहा है? सैचुरेटेड कंपाउंड, जिसे हम अल्केन बोलते हैं। इसी तरह से अल्काइन है, इसमें भी क्या हो रहा है? मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। पहले क्या बनेगा? अल्कीन, फिर नेक्स्ट स्टेप में ये अल्काइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे कितने मोल यूज हो रहे हैं? 2 मोल हाइड्रोजन के यूज होते हैं। यहाँ पे कितना यूज होता है? सिर्फ 1 मोल हाइड्रोजन यूज होता है। नेक्स्ट जो मेथड है वो है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। रिडक्शन क्या होती है? कि एडिशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन क्या होती है? जो कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एटॉमिक हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं? नेसेंट हाइड्रोजन बोलते हैं। नेसेंट का वैसे मतलब होता है न्यूली फॉर्म्ड हाइड्रोजन। जब हम क्या कराते हैं? जिंक और डाइल्यूट HCl का रिएक्शन कराते हैं, तो उसके नतीजे में नेसेंट हाइड्रोजन पैदा होती है, जो क्या करती है? अब एक इसमें ऐड हो जाएगी, एक Br के साथ रिएक्ट करेगी। ये क्या हो जाएगा? CH3, इसमें एक और ऐड हो गई तो ये CH3 बन जाएगा। आगे Br के साथ रिएक्ट करेगी तो HBr बन जाएगा। आगे है अल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में C1 से C5 तक ये क्या हैं, गैसेस होती हैं। C1 से C5 तक क्या हैं, गैसेस हैं। आगे C5 से C17 तक ये लिक्विड हैं। आगे से C18 एंड ऑनवर्ड ये क्या हैं, सॉलिड हैं। और दूसरी इनकी खसूसियत ये है कि होमोलोगस सीरीज़ बनाते हैं। होमोलोगस सीरीज़ के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। अब अगर हम इनकी सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। तो ये किस में सॉल्युबल होंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल होंगे। अब अगर हम इनकी क्या बात करें, कंबस्टिबिलिटी के मतलब ये जलती हैं। ये जो लोअर हाइड्रोकार्बन होते हैं वो क्या करते हैं, जलते हैं। और जो हाइड्रोकार्बन हायर होते हैं, जिनमें कार्बन की तादाद ज़्यादा होती है, वो नहीं जलते। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो ये जो पहला केमिकल रिएक्शन शो कराते हैं ये होता है हेलोजीनेशन। हेलोजीनेशन क्या होता है कि हमने हेलोजन से क्या करना है, इनको चेंज कर देते हैं हम हाइड्रोजन को, मतलब हाइड्रोजन की जगह हम हेलोजन्स ले आते हैं, तो इसको बोलते हैं हेलोजीनेशन। ये एक रिएक्शन है CH4 और Cl2। जनरल रिएक्शन हम जो लिख रहे हैं वो क्या बनता है, CCl4 प्लस 4HCl, कार्बन टेट्राक्लोराइड और HCl बनता है। अब इस रिएक्शन को हम क्या करते हैं, बारी बारी देखते हैं कि CH4 था, इसमें Cl2 गैस जब हमने ऐड की तो क्या हुआ, CH3Cl प्लस HCl। ये मज़ीद कंटिन्यू रहेगा रिएक्शन, CH3Cl प्लस CH2Cl2 प्लस HCl। मज़ीद अभी भी इसमें दो हाइड्रोजन हैं जो निकल सकते हैं, CHCl3 प्लस HCl। आगे CCl4 प्लस HCl। ये चार हाइड्रोजन निकले हैं, ठीक है, चार HCl बनाए हमने, और बाकी इसमें क्या हुए हैं, चार क्लोरीन ऐड हुए हैं, तो ये क्या बन गया, CCl4। अब आगे है कंबस्टन। कंबस्टन बोलते हैं जलने के अमल को, जो मदद करे। अब जब हम क्या करेंगे, CH4 को ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाएंगे तो ये क्या पैदा होता है, वाटर पैदा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, और साथ में हीट मिलती है जो हमारे काम आती है। अब आगे है यूजेस ऑफ मीथेन एंड इथेन। पहला यूज है डोमेस्टिक, के घरों में इस्तेमाल होती है, डोमेस्टिक कुकिंग के तौर पे इस्तेमाल करते हैं हम इसे। दूसरा इसका जो इस्तेमाल है कार्बन ब्लैक हासिल करने के लिए, कार्बन ब्लैक जिससे इंक बनाई जाती है, जिससे शू पॉलिश बनाई जाती है, कार्बन ब्लैक। आगे ये फर्टिलाइज़र में यूज़ होती है, फर्टिलाइज़र खादें बनाने में इस्तेमाल होती है। और आगे है रॉ मटेरियल, जिससे मज़ीद बड़े बड़े ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए जाते हैं। अब नेक्स्ट है अल्कीन्स। अल्कीन्स का दूसरा नाम होता है ओलिफेंस। अब इनको ओलिफेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ऑयल लाइक प्रोडक्ट बनाते हैं। ऑयल लाइक प्रोडक्ट जब ये क्या करेंगी, हेलोजन्स के साथ रिएक्ट करेंगे। हेलोजन्स कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसीटेट को क्या बोलते हैं, हेलोजन्स। जब अल्केन इनके साथ रिएक्ट करती हैं तो क्या बनाती हैं, ऑयली प्रोडक्ट बनाती हैं, इसलिए इनको ओलिफिन्स बोलते हैं। अब अकरेंस की अगर बात करें तो ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं अल्कीन्स, तो ये फ्री स्टेट में बहुत कम पाए जाते हैं, लेकिन कुछ जो नेचुरल गैसेस हैं उनके अंदर 20% तक अल्कीन्स हो सकती है। अब राइपनिंग ऑफ फ्रूट, मतलब जब कोई फल पक रहा होता है तो वो क्या करता है, अल्कीन गैस मतलब इथीन गैस खारिज करता है, जो कि अल्कीन है। आगे है प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। पहला मेथड जो है वो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। पहला मेथड है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम अल्कोहल इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। रिएक्शन कैसे होगा, ये कोई हमारे पास अल्कोहल है जिसको हम बोलते हैं इथाइल अल्कोहल, जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं H2SO4 के साथ और हीट करते हैं 180 डिग्री तक, तो क्या होता है एक एडिशन लाइक प्रोडक्ट बनता है। मतलब ये ऐसी प्रोडक्ट होगी CH3CH2OSO3H। इसको मज़ीद जब हम हीट करेंगे तो क्या होगा, इससे यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, तो क्या होगा CH बनते प्रोडक्ट में ये CH2CH2, ये एक अल्कीन बन गया, साथ में वाटर निकलेगा, ठीक है, और बाकी H2SO4। ये है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। आगे है डिहाइड्रोहलोजिनेशन, ये पहला मेथड था। दूसरा मेथड डिहाइड्रोहलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। हम क्या कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड इज कॉल्ड डिहाइड्रोहलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब इसकी एग्जाम्पल देखते हैं हम, CH3CH2BR। अब हमने क्या डाला इसके अंदर, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या था अल्कोहल में हमने इसको डिसॉल्व किया हुआ था। तो ये पोटासियम क्या करेगा, BR के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बन जाएगा KBr। अब आगे क्या बचता है, OH, हाइड्रोक्साइड में से OH बनता है। OH क्या करेगा, यहाँ से एक H लेगा तो क्या बना देगा वाटर, H2O। अब क्या बचा CH2, यहाँ पर ये CH2, आगे यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा CH2। ये थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। आगे है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल सिमिलर होती हैं जैसे कि किसके साथ, अल्केन के साथ। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में इसके पहले हम रिएक्शन देखेंगे। हाइड्रोजिनेशन है, हाइड्रोजिनेशन पहले हमने पढ़ा था, इसकी हाइड्रोजिनेशन कैसे होती है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे क्या होगा H2 मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, निकल एज ए कैटलिस्ट, डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3CH3। अब इसका सबसे बड़ा जो यूज़ है हाइड्रोजिनेशन का, ऑयल होता है, इसके अंदर होते हैं डबल बॉन्ड। जब हम क्या करते हैं, इसमें H2 डालते हैं, हाइड्रोजन गैस पास कराते हैं, तो ये घी में चेंज हो जाती है, घी, इस तरह से घी बनाया जाता है। नेक्स्ट जो है इसका रिएक्शन है वो है हैलोजिनेशन। कौन सा है, हैलोजिनेशन। अब इसमें क्या होगा, एडिशन ऑफ हैलोजन्स। कैसे एडिशन होगी, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें हम BR को ले लेते हैं, BR2, तो क्या होगा CH2, इसके साथ एक PR लग गया, आगे यहाँ पर CH2, यहाँ पे दूसरा BR, मतलब एक इस कार्बन के साथ एक इस कार्बन के साथ, ये हो गया हैलोजिनेशन। आगे होता है हाइड्रोहलोजिनेशन। हाइड्रोहलोजिनेशन, अब हाइड्रोहलोजिनेशन में क्या होता है कि इसी अल्कीन में जो इथीन है हमारे पास एग्जाम्पल, इसमें हम हाइड्रोजन हैलाइड HBr डाल देते हैं, तो क्या होगा CH3 बन जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, और CH2 ये वाला इसके साथ BR लग जाएगा। ये क्या थी, हाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स। आगे होती है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कराते हैं हम KMnO4 के साथ, इसकी वाटर डालते हैं, तो मेन प्रोडक्ट हमारे पास जो बनता है वो ये वाला होता है, CH2 इसके साथ OH ग्रुप, इधर CH2 इसके साथ भी OH, इसे बोलते हैं एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल, और साथ में जो चीज़ बनती है वो होती है MnO2। MnO2 और एथिलीन ग्लाइकोल जो यूज़ होता है एज ए एंटी फ्रीज के तौर पर। ये थे थोड़े से उसके रिएक्शन। आगे हैं इसके यूजेस। यूजेस कहाँ पे? राइपनिंग ऑफ फ्रूट। पहला क्या है? राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में इस्तेमाल होती है। दूसरा जो इसका इस्तेमाल है मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस जो होती है ये वॉरफेयर में, जंगों में इस्तेमाल होती है, जो कि ब्लिस्टर काज करती है, मतलब पॉइजनस गैस है। ये दो यूजेस हो गए। थर्ड इसका यूज होता है पॉलीमर बनाना। पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी पाइप जो होते हैं घरों में इस्तेमाल होती हैं, बाल्टियाँ होती हैं, बैग्स होते हैं, ये तमाम क्या होते हैं? पॉलीमर के बने होते हैं, जो कि इथीन यूज़ होता है एज ए मोनोमर के तौर पर। आगे जो इसका काम है एंटी फ्रीज, क्योंकि जो अभी हमने पढ़ा था ये वाला कंपाउंड एथिलीन ग्लाइकोल, ये क्या यूज़ होता है एज ए एंटी फ्रीज, क्योंकि जो शुमाली इलाका जाते हैं या सर्द ममालिक हैं उनके अंदर हाइड्रोकार्बन जम जाते हैं सर्दियों में, लेकिन ये एथिलीन ग्लाइकोल नहीं जमता चाहे जितनी भी सर्दी हो, इसलिए इसे यूज़ किया जाता है कार के रेडिएटर में या दूसरे पर्पस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।